नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्पल पैनल में, जहां हम आपको बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी बातों की जानकारी देते हैं। भारत की लीडिंग ऑडियो प्रोडक्ट कंपनी बोट के 37 वर्षीय CMO अमन गुप्ता बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, फिर ICAI और उसके बाद अमेरिका। अमन का जीवन बेहद रोमांचकारी रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में अमन गुप्ता के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अमन का जन्म 1984 में दिल्ली में हुआ था। अमन गुप्ता ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत दिल्ली पब्लिक स्कूल RKpuram से की, जहां से उन्होंने हायर सेकेंडरी क्लासेस पास की। हायर सेकेंडरी पास करते ही अमन ने दाखिला लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, जहां से उन्होंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स में डिग्री हासिल की। इसी के साथ अमन ने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी की और फाइनेंस के पेपर देकर एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। फाइनेंस और अकाउंटिंग दोनों की डिटेल स्टडी करने के बाद अमन ने एक बार फिर किताबों की दुनिया में कदम रखा और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA की डिग्री भी हासिल की। तो ये थी अमन गुप्ता की स्टडी हिस्ट्री, उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की और किस प्रकार से बिजनेस की दुनिया को समझा। अब आपको आगे बताएंगे कि अमन गुप्ता की इस पढ़ाई और संघर्षमय जीवन का उनके बिजनेस के लिए लाभ और कैसे वो बने एक एंटरप्रेन्योर। अमन के पिता का नाम नीरज गुप्ता है और माता का नाम ज्योति कोचर गुप्ता है। उन्होंने प्रिया डागर से विवाह किया और उनकी दो बेटियां हैं, निया गुप्ता और अदा गुप्ता। अमन गुप्ता ने मार्च 2023 में सिटी से बतौर असिस्टेंट मैनेजर अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने एडवांस टेली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की सह स्थापना की और 2005 से मार्च 2010 तक बतौर इसके CEO के रूप में काम किया। हाल ही में शार्क टैंक शो में आपने अमन को बतौर जज के रूप में देखा होगा। अमन गुप्ता बोट कंपनी के CMO और को फाउंडर हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनी है जिसका मेन फोकस ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने पर है। बोट कंपनी की स्थापना और इसका उद्घाटन 2015 में पहली बार हुआ था। ये कंपनी ईयरफोन्स, हेडफोन्स, वायरलेस हेडसेट, ट्रैवलिंग चार्जर्स और प्रीमियम रग केबल जैसे ऑडियो डिवाइसेस में डील करती है। बोट नाम से जानी जाने वाली ये कंपनी का असली नाम, जिससे इसकी शुरुआत हुई थी, नाम था इमेजिन मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसके हेडसेट्स पर लिखे जाने वाले नाम बोट से जब लोग इसे पहचाने लगे, तब से इसका पब्लिकली नोन नेम यही बन गया। कंपनी के दो फाउंडर्स हैं, समीर अशोक मेहता और अमन गुप्ता। बोट कंपनी का अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच मार्केट शेयर कुल 48% है। अमन गुप्ता का कंपनी में शेयर कुल 28% है, जिससे वो कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ साथ अपनी सालाना इनकम जोड़कर कुल 40 करोड़ के हकदार होते हैं। कंपनी के साल 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोरोना पैंडमिक होने के बावजूद कंपनी ने पूरे 500 करोड़ की इनकम की थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति कोरोना के दौरान भी बरकरार रही थी। भारी नुकसान होने के बावजूद कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट ग्रैब करने में सक्षम थी। इसका कारण था इनकी मैनेजमेंट और स्टाफ। अमन गुप्ता, समीर मेहता दोनों ने ही मिलकर इस समय में अपनी कंपनी को स्थिर रखा और चुनौतियों का सामना किया, जो कि को फाउंडर अमन गुप्ता की एफिशिएंट मार्केटिंग स्किल्स और मैनेजमेंट नॉलेज को दर्शाता है। अमन गुप्ता को डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का सबसे छोटा एंटरप्रेन्योर माना जाता है। उन्होंने बाकी एंटरप्रेन्योर्स के मुकाबले सबसे कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जब इन्होंने समीर अशोक मेहता के साथ मिलकर 2013 में इमेजिन मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया और ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपनी जगह अब बना चुकी है। लीडिंग बिजनेसमैन अमन गुप्ता ने काफी बिजनेसेस को तरक्की तक पहुंचाया है। उन्होंने जिस भी कंपनी की टॉप लेवल पर काम किया है, उसने सफलता हासिल की है। ये क्वालिटी पाई जाने की है अमन गुप्ता में, जो इनको लीडिंग बिजनेसमैन बनाती है। वो फ्यूचर और मार्केट में आने वाले चेंज को रिलेट करते हैं और फिर ही प्लानिंग को अंजाम देते हैं। अमन गुप्ता आज के बिजनेसमैन लीड इसलिए भी बन चुके हैं, क्योंकि वो काफी सारी मार्केटिंग इंडस्ट्रीज और मार्केटिंग कंपनीज में टॉप लेवल पर जॉब कर चुके हैं और मार्केटिंग में एक्सपीरियंस भी है। उनकी लीडरशिप के अंदर उनकी सभी कंपनी ने मार्केटिंग की दुनिया में अपनी पकड़ बनाई है। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर्पल पैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।